इंडियाटाइम्स.com की जानिब से द सन डाउनर और उसमें आज की खसूसी पेशकश दास्तान गोई 2017 की जो वाक़यात जो हालात जो दिन गिरां और खुशगवार गुज़रे उसकी कोशिश के एक दास्तान में पिरो आपके पेशे खिदमत। सुनो मियाँ तुम्हें दास्तान 2017 सुनाता हूँ के हुआ एक रोज़ यूँ मैं जो सोकर उठा तो पास देखा अपने अखबार अखबार में था चस्पा ये इश्तहार आ गया 2017 अजी हुजूर ना घबराइए आने वाले हैं अच्छे दिन अजी अब तो मुस्कुराइए तो मियाँ ये सोच के हमने अपना कागज कलम है उठाया कि हम भी लिखेंगे 2017 में ऐसी दास्तान कि 10,000 सालों में ना किसी ने सोची हो ना लिखी हो। हाँ हाँ मेरे भक्तों मैं तुम्हें खाके देश मैं खाके हलवा तुम्हें ये मीठी मीठी बात बताता हूँ के बस आने वाले हैं अच्छे दिन और जो था वो वादा 15 लाख तुम्हारा खाते में आएगा बस करो इंतजार वो छपता है बस अभी तुम्हारा नोट खाते में आता है। मियाँ ये सुन के हमने किया इरादा तो इस बरस ब्याह रचाएंगे जी हम तो अपनी महबूबा को दुल्हन बना के घर लाएंगे। सो ये खुशखबरी हमने जो फोन उठा के महबूबा को है सुनाई के बस इस बरस हम दिल की आरजू पूरी कर डालेंगे हम तुमसे ब्याह रचाएंगे। तो मियाँ बस गुजरे चंद रोज अखबार में आया ये ऐलान अब हर नारी 10-10 बच्चे पैदा करेगी बस देश की समस्याओं का यही है समाधान भुखमरी गरीबी बेरोजगारी सब मिट जाएगी बस अब यूं ही करना होगा 10-10-10 हो मियाँ ये सुन हमारी महबूबा बोली अजी मुझसे ना होगा ये सब कुछ ब्याह का ख्याल आप ऐसा करें कि भूल जाइए। है हमने उसको मनाया हमने उसको समझाया जूं तू करके वो मानी चंद रोज में एक पैगाम और है आया अजी भक्तों ने फरमाया जो दूसरी जाति में ब्याह रचाएगा वो देशद्रोही बागी आतंकवादी कहलाएगा। मियाँ 2017 में एक इतना खूबसूरत हैशटैग है आया अजी विरुष्का कब या होलियो लो जी हम तो करते रहे इंतजार कब अच्छे दिन आएंगे कब हम ब्याह रचाएंगे वो लगा गए हैशटैग और उन्होंने ब्याह रचाया हमने बजाई ताली ले भैया 2017 किसी के लिए तो अच्छी खबर है लाया। मियाँ आई एक रोज खबर ये अखबार में के आधार को अब धार बनाया जाए उसको हर जगह हर बात से जोड़ा जाए। मियाँ हम जो फिर भागे कभी बैंक की लाइन में जाना था पैसा कुछ वहाँ भी आधार जुड़वाए कभी मोबाइल से जुड़वाए कभी राशन कार्ड से मियाँ राशन कार्ड से जुड़वाए अरे वो तो जनता अहमक है बिल्कुल जो ना राशन कार्ड से है आधार को जुड़वाए। मियाँ अभी देश के किसी प्रदेश में मर गए चंद लोग भूखे भूख से तड़पते बिल बिलाते फकत इसलिए कि उनका राशन कार्ड ना आधार से जुड़ पाए। ये कैसा आधार ये कैसा जनता पे उपकार अजी इस बरस है इंटरनेट का इनकलाब आया। मियाँ ये क्या होता है मियाँ उसने फरमाया अजी एक है कोई ढिंचक 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 उसने जो गाया एक गाना एक नगमा
सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। हाँ फिर क्या हुआ भैया? मियाँ फिर हुआ यूं कि लाखों और करोड़ों उस पे बरसे, सारी दुनिया ने उसको देखा कि वाह ये क्या उंदा बात है। हैं मियाँ ये क्या बात है, इससे उंदा तो हम सुनाते हैं। दास्तान मैंने सुना दी, दास्तान मैंने सुना दी के दिलों की शूटर है बड़ी हूटर। भैया मेरी दास्तान, भैया मेरी दास्तान। ये लो जी हो गया वायरल। अजी इसी बरस हमने देशभक्ति का नया राग है सुना, नया आलाप है सुना। हम जो पहुंचे देखने पच्चर, अजी मुंह भी हाल में, होने वाला है देशगान। तुम जरा सही से सीधे सीधे खड़े हो जाओ, बस यही है राजा जी का फरमान। जो तुम देशगान में सीधे सीधे यूं यूं होगे तो देशभक्त कहलाओगे। गर कमर में है मोच थोड़ा यूं हो गए। ओ हो, तुम तो देशद्रोही हो, तुम बागी हो, क्या हम कह दे तुम आतंकवादी हो। हो मियां गुजरता गया 2017, ना खाते में आए पिंदरा बिंदरा लाख, ना अच्छे दिन हैं आए। लो जी महबूबा ना मानी हमारी, सो हमने सोचा अब कोई कारोबार ही किया जाए, कि नौकरी से तो हम हैं हाथ गवाए। तो मियाँ हमने कारोबार है सजाया, मगर थोड़े दिन में हुकूमत का फरमान है आया। अब देश की उन्नति के लिए सब पे GST कर लगाया जाएगा। अच्छा अजी अतिरिक्त ये कि स्वच्छता मिशन में भी हमारा ही पैसा जाएगा। हे, ये क्या होता है मियां? हम न करोंगे कारोबार ना बिया, हम तो लिखेंगे अब दास्तान सच्ची सच्ची मीठी मीठी। तो मियां एक हाथ में अखबार है उठाया, उसको जो खोला और पढ़ा, एक शख्स के घर में पता चला के गौ का मांस है, कर दी उसकी हत्या। वो पड़ा रहा वहीं दर गली बाजार में, उसको न किसी ने देखा। अजय आए जो महकमे वाले, वो रहा बेचारा वहीं पड़ा, उसके घर की अलमारी को खोला और वो ले गए सारा मांस। ये होगी इसकी जांच, और वो बेचारा मरा रहा, वो पड़ा रहा। इस पे हम क्या लिखें दास्तान, ये तो बात अजब अफसाना सी लगती है। ये कहाँ का है सच, ये तो सारी बात झूठ मन घड़ंत लगती है। मियाँ हमने एक रोज एक बच्चे की कॉपी स्कूल की जो है उठाई, उसमें था एक रानी का किस्सा। ये रानी हकीकत में कहाँ से आई, हम जो बोले बच्चे से तो बच्चा बोला। अंकल आपको कुछ नहीं पता, इसके ऊपर तो फिल्म भी बन गई। हाँ फिल्म बन गई और ये हमारे जहन में ना आई। लो जी हमने खोला जो TV, तो उसमें खबर ये नजर आई, साल की सबसे बड़ी बनने वाली फिल्म अब ना दिखाई जाएगी। जिस रानी के है बारे में अभी उसका कुछ अता नहीं, कुछ पता नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई लेखा नहीं, कोई जोखा नहीं। अजी उसको दिखा दिया तुमने नृत्य करता, हाय 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 इतना घोर पाप अन्याय, अब ये न दिखाई जाएगी। ओ हो, मियाँ जो बस यूं हुआ हंगामा, हमने खोला इंटरनेट, उसमें देखा ये रानी कहाँ से है आई, कुछ ने कहा अफसाना कुछ ने हकीकत। जिसका धार आधार अभी मालूम नहीं, वो बच्चों के स्कूल की कॉपी में भैया कहाँ से है आई, वहाँ जो रात नाची वो राधा के जैसी, तो वो हो गई बंद।
इसको भी मैं कर दूं अब बंद। 2017 जाने वाला है मियाँ, अब करो तहिया नए इरादे के, 2018 है आता, तो हम भी 2018 में नई दास्तान सजाएंगे, नए ख्वाब नई आरजुओं को ताबीर कर ज़मीं पे लाएंगे। है ये मेरा वतन, है ये मेरा वक्त के हम ही कुछ कर दिखाएंगे, कि हमें आने वाले मुस्तकबिल से हैं उम्मीदें। और शेख व ब्राह्मण ने है फरमाया कि आने वाला साल है अच्छा, सितारे बताते हैं, नजूमी ये दास्तान सुनाते हैं, रखो सब्र और पालो उम्मीदें। सुना है 2018 कुछ बेहतर है, सुना है 2018 कुछ बेहतर है।